नमस्कार दोस्तों, रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जिस प्रकार से पिछले दोनों वीडियो पर आप सबों ने दिल खोलकर लाइक्स एवं कमेंट्स किए हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इससे उत्साहित होकर आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। पी ऑडियो 12 इंच का स्पीकर है, TC150N सीरीज का। ये TC150N सीरीज का 12 इंच का पी ऑडियो स्पीकर है, जो बुरी तरीके से धूल में चिपटा हुआ है। स्पाइडर और पेपर के बीच में काफ़ी गैप है, जो कि सेम जॉइंट्स होना चाहिए। कैप लगा हुआ है, जबकि यहाँ ड्यूअल कोन होना चाहिए। और ऐसा लगता है जैसे आहूजा 100 वाट का फ्लैट पेपर को ज़बरदस्ती इसमें काट करके बिठाया गया है। फिलहाल पेपर फाड़ कर निकाल लेते हैं, स्पाइडर निकाल लेते हैं, फिर स्पीकर को साफ़ करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। कि एक चाकू की सहायता से इसका पेपर और स्पाइडर फाड़ कर निकाल लिए हैं। क्वाइल भी एकदम लोकल लगा हुआ है, कागज़ का क्वाइल है। और देखिए गैप कितना है, ये गैप नहीं होना चाहिए। स्पाइडर और पेपर के बीच में 1 या 2 mm का गैप होना चाहिए, वरना चिपक के रहना चाहिए। लोकल कोनिंग है, तो सबसे पहले इसको सफाई करते हैं, ब्रश से पूरा धूल निकालते हैं इसका। स्पीकर जितना साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो, काम करने में उतना ही अच्छा लगता है। तो ब्लोअर से इसका सारा धूल हटा दे रहे हैं और फिर एक गीले कपड़े की सहायता से स्पीकर को एकदम साफ़ करके पोंछ दे रहे हैं। तो देखिए स्पीकर अब कितना अच्छा चमकने लगा है। इसके जो मैग्नेट पर डस्ट पड़े हुए थे, एक ब्रश की सहायता से एक जगह पर जमा कर ले रहे हैं। सारा डस्ट एक जगह जमा हो गया है, तो एक मास्किंग टेप को काट करके और उसमें से चिपका करके सारा डस्ट निकाल देंगे। स्पीकर में डस्ट ज़रा भी नहीं होना चाहिए। अगर कॉइल के पोल के बीच में डस्ट गया तो अच्छा खासा स्पीकर ख़राब हो जाएगा। स्पाइडर को भी उखाड़ के निकाल दे रहे हैं और चाकू की सहायता से इसका साइड के रिंग्स को भी निकाल के रख ले रहे हैं। ये रिंग्स बाद में लगाने के काम में आएंगे, तो इसे अच्छे से निकालना है। निकाल के रख ले रहा हूँ मैं। अब स्पीकर के अंदर वाले भाग को भी गीले कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर ले रहा हूँ। स्पीकर एकदम चमक करके निखर आया है। अब लोअर से इसके पोल से हवा मार करके धूल निकाल देते हैं। अब ग्राइंडर मशीन से इसमें चिपके हुए एरालाइट्स एवं बोस्टिक्स को निकाल लेंगे। ग्राइंडर मशीन में मार्बल घचने वाला ब्लेड लगा हुआ है, तो यह सारा बोस्टिक और एरालाइट्स को घस करके निकाल देता है और काम बहुत सफाई से, एकदम आसानी से, बहुत जल्दी हो जाता है। अब फिर से ब्लोअर से सारा डस्ट हटा करके गीले कपड़े से स्पीकर को साफ़ कर लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए स्पीकर काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है। अब ये NC555 थिनर है, जिसको एक कपड़े में डाल करके प्लास्टिक की पट्टी से कपड़े को लपेट करके पोल को साफ़ कर ले रहे हैं। पोल पे जितना भी कार्बन या डस्ट लगा होगा साफ़ हो जाएगा। स्पीकर रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गया है। यह 44 mm का कैप्टन पेपर में बना हुआ क्वाइल है और इसमें प्लास्टिक सीट 7 mm का काट करके अंदर सेट कर देना है और फिर छोटे छोटे प्लास्टिक सीट के टुकड़े काट करके अंदर डाल देना है, जिससे यह क्वाइल जाम हो जाएगा। और क्वाइल का 10 से 15% हिस्सा देखिए बाहर रहना चाहिए और तारों को अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। अब इसमें स्पाइडर लगाएंगे। यह क्वाइल मेरा ही बनाया हुआ है, तो जल्दी ही इसका वीडियो भी शेयर करेंगे। स्पाइडर लगाने के लिए इसके पोल पर हम बोस्टिक लगा देते हैं और स्पाइडर को अच्छे से सेट कर देते हैं। स्पाइडर बैठ जाने के बाद एक सुई की सहायता से इसको राउंड राउंड घुमा करके पोल पर सेट कर देंगे और घुमा घुमा करके बोस्टिक सेट कर देंगे। लगभग 5 मिनट तक अब इसे सूखने के लिए रख देते हैं। अब एक स्क्रू ड्राइवर लेकर स्पाइडर को अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे। ये इसका पेपर है, पेपर के माउथ को नाखून से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि यह क्वाइल में अच्छे से चला जाए। देखिए पेपर स्पाइडर को एकदम टच होकर के बैठा है। यह स्पीकर के लिए काफ़ी अच्छा संयोजन होता है कि पेपर और स्पाइडर के बीच में गैप जितना कम से कम हो, तो इस आवाज़ का थ्रो काफ़ी अच्छा जाता है। अब एरालाइट जो हम पहले से बना कर रखे हुए हैं, उसको स्पाइडर और क्वाइल के बीच में लगा देते हैं।
थोड़ी थोड़ी मात्रा में काफ़ी स्मूथ एरालाइट स्पाइडर को और कॉइल को टच करते हुए लगाते जाना है, और थोड़ा सा एरालाइट पेपर के नीचे वाले हिस्से में भी लगा देना है ताकि पेपर, स्पाइडर और कॉइल का जोड़ एकदम मजबूत हो। स्पीकर कितना भी वाइब्रेट होकर के बजे तो एरालाइट निकले नहीं। अब बोस्टिक को हम इसके रिंग वाले सरफेस पे गोल गोल फैला देंगे एवं पेपर को अच्छे से बिठा करके सेट कर देंगे एवं दोनों उंगलियों की सहायता से घुमाते घुमाते पेपर को चिपका देंगे। अब एक उंगली से चारों साइड लगाकर वापस घुमाते हुए चिपका देंगे ताकि जो नीचे बोस्टिक लगा हुआ है वो स्पीकर के रिंग में और पेपर में अच्छे से चिपक जाए। अब इसे सूखने के लिए उल्टा करके रख देते हैं। लगभग 5 मिनट में बोस्टिक सूख जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, अब हमारा रिंग सूख गया है तो रिंग के ऊपर वापस से बोस्टिक को लगा करके और एक पट्टी की सहायता से उसको फैला लेंगे। स्पीकर उल्टा रखने का रीज़न ये था कि जो हमने एरा लाइट लगाया है वो कॉइल और स्पाइडर के बीच से कॉइल के अंदर ना चला जाए। इसके लिए जब भी हम एरा लाइट लगाकर स्पीकर रखेंगे तो उल्टा ही रखेंगे, जिससे एरा लाइट जो है वो अगर बहता भी है तो पेपर के ऊपर बहे, कॉइल और स्पाइडर के गैप से अंदर ना चला जाए। अब जो निकाला हुआ रिंग था उसके ऊपर भी बोस्टिक लगा ले रहे हैं और रिंग को स्क्रू टाइट करने के लिए दिए हुए होल से मैच करते हुए लगा लेंगे। दोस्तों, स्पीकर बनाना बहुत ही आसान काम है, बस कुछ सावधानियां बरतनी रहती हैं इसमें, और जितनी सफाई से आप बनाएंगे उतना ही स्पीकर अच्छा बनेगा और अच्छा दिखेगा भी। देखिए, इसका पुराना रिंग ही हम मैच करते हुए लगा दिए हैं। अब एक मोटी लकड़ी या बड़े स्क्रू ड्राइवर के हैंडल से इस रिंग को ठोक देना है जिससे बोस्टिक रिंग और पेपर से अच्छे से पकड़ ले। देखिए, क्वाइल, स्पाइडर और पेपर अच्छे से चिपक गया है। अब एक माचिस की तीली जलाकर तार के छेड़ों से वार्निश जला लेंगे। एक जीरो पॉलिश पेपर लेकर तार से जले हुए वार्निश को साफ कर लेंगे। तार एकदम चमक कर निखर आएगा जिससे सोल्डिंग टेंसिल वायर पे काफ़ी अच्छे से पकड़ेगा। देखिए, तार एकदम चमक रहे हैं, सोल्डिंग काफ़ी बढ़िया होगा। अब एक स्क्रू ड्राइवर की नोक से हम पेपर पर छोटे छोटे होल कर लेंगे जिससे टेंसिल वायर अंदर और बाहर की तरफ निकलेगा। ये होल करने के लिए मैंने स्क्रू ड्राइवर को ग्राइंडर से घस करके नोकदार बना रखा है। ये 812 नंबर का टेंसिल वायर है, इसे होल से बाहर निकाल करके लीड कनेक्टर तक माप लेंगे एवं दो टुकड़े में काट लेंगे जो माइनस और प्लस लीड वायर का काम करेगा। लीड वायर कभी भी आधा से एक इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए जिससे लूपिंग मिलेगा और स्पीकर जंप करने पे लीड वायर टूटेगा नहीं। अब लीड वायर को होल से डाल करके जाम कर देते हैं। देखिए, लीड वायर पीछे से निकल आया है। अब एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके तारों को जड़ के पास दबा देंगे एवं फिर लीड वायर में डाल करके उसको लपेट देंगे जिससे सोल्डिंग करने में पकड़ मजबूती से पकड़ेगा। ये तार को जड़ में दबाने के पीछे रीज़न यह है कि जब हम इसमें ड्यूल कैप लगाएंगे तो ड्यूल कैप के जड़ से वायर उलझ करके टूटे नहीं, उलझे नहीं। तो अब वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं टेंसिल वायर से। सोल्डिंग अच्छे से हो गया है, देख लीजिए। अब इसके अंदर जो प्लास्टिक के पट्टियां थी उसको निकाल देते हैं एवं शीट को भी गोल घुमा करके निकाल देते हैं। गोल घुमाने के पीछे रीज़न ये था कि अगर कहीं एरा लाइट लगा हो तो वो उससे निकल रहा है। स्पीकर काफ़ी फ्री वर्क कर रहा है। अब ड्यूल कोन को लगाने के लिए ड्यूल कोन के नीचे वाले भाग को धारदार चाकू से काट लेते हैं। ड्यूल कोन के नीचे का भाग कट गया है लेकिन रिंग शायद छोटा कटा है तो बैठेगा नहीं, तो एक पतले कैंची से उसके रिंग को शार्प एकदम और काट लेते हैं। देखिए, ड्यूल कोन कॉइल के ऊपर एकदम फिट बैठ रहा है। तो अब ड्यूल कोन को निकाल लेते हैं। अब एरा लाइट को एक सुई की सहायता से सोल्डिंग किए हुए भाग पे लगाकर वायर को लॉक कर देते हैं। टेंसिल वायर के सोल्डिंग से लेकर के कॉइल तक वायर को एरा लाइट से ही लॉक करना है, इसे बोस्टिक से ना लॉक करें। अब बचे हुए एरा लाइट को कॉइल और पेपर के बीच में भर देते हैं।
ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों साइड लगाते हुए भरते जाना है। इसी पर ड्यूअल कोन बैठेगा और जाम हो जाएगा। एरालाइट चारों साइड से लग गया है। अब ड्यूअल कैप को धीरे से घुमाकर बिठा देते हैं एवं राउंड राउंड करके घुमा लेते हैं ताकि एरालाइट ड्यूअल कोन के चारों सरफेस पर लग जाए। अब हॉट गन को गोल गोल घुमाते हुए पेपर में चारों साइड से गर्म कर लेंगे, जिससे एरालाइट पिघल जाएगा और ड्यूअल कोन एवं पेपर में अच्छे से चिपक जाएगा। दोस्तों, अब ड्यूअल कोन को कैप से ढकना है, तो यहाँ पे कागज़ वाला डस्ट कैप यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे क्लॉथ का डस्ट कैप यूज़ होगा क्योंकि कोन के ऊपर मूवमेंट होना चाहिए। तो क्लॉथ कैप ही लगाएं, कागज़ का कैप कभी भी ना लगाएं। क्लॉथ कैप के ऊपर बोस्टिक लगा दिए हैं, अब दो उंगली से पकड़ करके कैप के ऊपर चिपका देंगे। दोस्तों, इस स्पीकर में गर्म हवा निकलने के लिए पीछे से एयर पास नहीं है, तो क्लॉथ कैप लगाने से गर्म हवा ऊपर से निकल आएगा और कॉइल ठंडा रहेगा। दोस्तों, 5 मिनट में बोस्टिक सूख जाएगा, उसके बाद कैप को ड्यूअल कोन से पेस्टिंग करेंगे। दोस्तों, स्पीकर देखिए लगभग रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ अगर क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लगभग तैयार हो गया है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। देखिए, ये सूख गया है, तो अब मैं नाखून और उंगली की सहायता से इसको चिपका ले रहा हूँ। स्पीकर लगभग रेडी हो गया है। अब टेंसिल वायर को उसके कनेक्टर पिन पर सोल्डिंग कर देते हैं। टेंसिल वायर को थोड़ा सा लूज़ ही रखना है ताकि जब यह बजे तो खींच करके टूटे नहीं। देखिए, मैंने लूज़ रखा है, बट इतना ज़्यादा भी लूज ना रखिए कि वो पेपर में टकरा करके पट पट की आवाज़ करे। तो संभवतः आधा इंच या 1 इंच काफ़ी रहेगा। अब हम सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने के बाद स्पीकर चेक करेंगे, माइनस प्लस चेक करेंगे, एक्स्ट्रा वायर जो बचे हुए उसको काट दे रहे हैं। अब ये वायर को मैं पेपर से दबा दे रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा बोस्टिक एक एक बूंद गिरा दे रहा हूँ। बोस्टिक सूख कर जब चिपक जाएगा तो जड़ के पास से वायर हिलेगा नहीं और टूटेगा नहीं, और ज़्यादा लंबा लूपिंग भी नहीं होगा। इसको स्क्रू ड्राइवर से फैला करके टेंसिल वायर और पेपर में फैला दे रहा हूँ। अब सूखने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो गया है तो बोस्टिक सूख गया है, तो अब उंगली से इसको दबा कर चिपका दे रहे हैं। अब इस पे हम वायर सोल्डिंग करते हैं ताकि माइनस और प्लस चेक किया जा सके। इसका प्लस पॉइंट राइट साइड में सिंबल दिया हुआ है, उसमें लाल वायर जोड़ दे रहे हैं और माइनस वायर में माइनस वायर जोड़ दे रहे हैं। अब इसको एक 9 वोल्ट की बैटरी से चेक करते हैं। देखिए, माइनस प्लस बराबर है। अब एक एम्पलीफायर में लगा करके आवाज भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, स्पीकर परफेक्ट मिड रेंज में बज रहा है, आवाज़ काफ़ी अच्छी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।